नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा मौर्य है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आज मोबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र, आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो मोबाइल में, उसको ओपन करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर आधार डाउनलोड पर टच करना है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने आधार डाउनलोड टाइप कर दिया है, सिंपली इस पर सर्च करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे। ये हम गए, दोस्तों आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज इसका कुछ इस तरह रहेगा। इस पर और भी काफ़ी ऑप्शन हैं दोस्तों, बट अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आधार कार्ड अपने आपने जल्दी जल्दी में अपडेट करवाया हो तो आप वहाँ पे आधार कार्ड का अपडेट भी चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल आज मैं बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, आप इनरोलमेंट आईडी के थ्रू भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड आधार नंबर से। तो बेटर होगा दोस्तों आप आधार नंबर से ही डाउनलोड करें। जैसे सिंपली मैं अपना आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। आईवान मास्केट आधार, इस पर दोस्तों क्लिक कर देना है। और सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको एक कैप्चा फिल कर देना है। जो कैप्चा दोस्तों याद रखना हमेशा कैपिटल में ही रहता है, आपको कैपिटल ही फिल करना है। और दोस्तों लास्ट में आपको सेंड ओटीपी भी टच कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर वही वन टाइम पासवर्ड आएगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो वन टाइम पासवर्ड आ चुका है, मैं उस वन टाइम पासवर्ड फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पे आपको दोस्तों यस या नो पे ऑप्शन देना। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि डू यू नो, क्या आपने आधार कार्ड जो डाउनलोड किया हो यूआईडी की वेबसाइट से किया है, तो इस पर आप यस कर देंगे। और आपने जो हाउ टू मैनी रिसीव रिप्रिंट आधार नेटवर्क गेटिंग एसएमएस फ्रॉम इंडिया, कितने दिन के अंदर आपको प्राप्त हुआ उसके दोस्तों विदिन 5 दिन कर सकते हैं या फिर मोर देन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर टच कर देना है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों उसका पेज कुछ इस तरह आएगा, दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में दोस्तों आप जो भी अगर आपका सरनेम पहले हो या नाम पहले हो, उसका 4 अक्षर पहले कैपिटल में आपको फिल करना है। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं कैपिटल में KRIS, ध्यान देना दोस्तों ओनली केवल 4 अक्षर ही फिल करना है। उसके बाद लास्ट में आपको 4 अक्षर आपका डेट ऑफ बर्थडे डालना है, डेट ऑफ बर्थडे का ओनली सन डालना है। तो हम सन डाल दे रहे हैं 1998। उसके बाद सिंपली ओपन कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। इस मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड करके दोस्तों आप अपने 40 से 50 रुपये ही बचा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसको सेव करना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेविंग का ऑप्शन आ गया, PDF फाइल में आप सेव कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों आपने आज सीख लिया किस तरह मोबाइल से विथ इन मिनटों में आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।